हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग यानी कि इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेविंग स्कीम है। इनके साथ आपके घर में छोटी सी बेटी है और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो इस सेविंग स्कीम को आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिनके घर में छोटी बेटी है और वो उनके फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनको इंकरेज करेगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग स्कीम से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ई लर्निंग मनी, यहां पर आपको सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, ये अकाउंट पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के द्वारा ओपन किया जा सकता है और सिर्फ बेटियों के नाम पर ही ओपन किया जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिस बेटी के नाम पर यह खाता खोलेंगे उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बेटी के नाम पर एक खाता ही खोला जा सकता है और मैक्सिमम दो बेटियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है एक पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के द्वारा। अब जानते हैं आप खाता कहाँ खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप खाता खोल सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि आपको ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड करके भर के लेकर जाना है वहां पे। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जिस बेटी के नाम पर आप खाता खोलने वाले उसका बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आइडेंटिटी प्रूफ आपका और रेसिडेंस प्रूफ आपका और बेटी का भी लगाना होता है। डिपॉजिट अमाउंट आप कैश में या डीडी में लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि खाता खोलने के बाद आप चाहें तो अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं, या चाहें तो आप पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। अब हम जानते हैं कितना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। मिनिमम 250 रुपया आपको हर साल डिपॉजिट करना पड़ता है। मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं साल भर में। पूरा अमाउंट आप लमसम में भी कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो पूरे साल भर में इंस्टॉलमेंट पे करके भी डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कितने समय तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पेनाल्टी की। दोस्तों, इनकेस किसी भी रीजन से अगर 250 रुपया साल भर में हम डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं सुकन्या खाते में, जैसे कि मैंने बताया कि 250 रुपया आपको मिनिमम डिपॉजिट करना ही पड़ता है, नहीं कर पाते हैं तो हमारा अकाउंट डिफॉल्ट में चले जाता है। बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है कि हम 15 साल कंप्लीट होने से पहले ही उस खाते में पैसा फिर से जमा कर दे, जितना भी डिफॉल्टेड अमाउंट है पेनाल्टी के साथ। देखिए, जितने भी साल आपने डिफॉल्ट किया हुआ है हर साल का 50 रुपये आपको पेनाल्टी लगेगा, उसके साथ मिलाकर आपको जमा कर देना है और आपका खाता रिवाइव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। कितने समय के बाद हमें पैसा मिल जाता है। खाता खोलने के 21 साल के बाद मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होता है। अदरवाइज जिसके नाम पर खाता आपने ओपन किया हुआ है उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया और उसकी शादी होने वाली है, शादी के एक महीने पहले या तो 3 महीने बाद भी आप मैच्योरिटी करवा सकते हैं अपने सुकन्या योजना अकाउंट के तहत। उसके बाद अब हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, मतलब समय से पहले अगर अपने खाते से कुछ पैसा निकालना है तो क्या हम निकाल सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे कि 18 साल कंप्लीट होने के बाद या तो 10th स्टैंडर्ड पास होने के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, बेटी के एजुकेशन के लिए अलाउड है या उसके किसी भी काम के लिए अलाउड है। अपने काम के लिए आप निकाल नहीं सकते हैं। विड्रॉल इज अलाउड है अप टू 50%, जो भी आपका सुकन्या अकाउंट में बैलेंस होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो। आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं या तो इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। एक बार विड्रॉल किया जा सकता है पूरे साल भर में और मैक्सिमम 5 साल तक, मतलब जो 15 साल का पीरियड होता है उसमें 5 साल आप विड्रॉल कर सकते हैं पार्शियल। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर हमें अपने खाते को समय से पहले ही बंद कर देना पड़ता है, जिसको प्री मेच्योर क्लोजर भी कहा जाता है। तो क्या प्री मेच्योर क्लोजर पॉसिबल है? तो यहाँ पर जवाब है पॉसिबल है, लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद और इन केस जो रीज़न बताए गए हैं वो सेटिस्फाई होते हैं तो। अब रीज़न कौन से हैं? देखिए, इन केस डेथ हो जाता है अकाउंट होल्डर का, मतलब दुर्भाग्यवश जिसके नाम पर हमने खाता खोला था उसकी मृत्यु हो जाए तो आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। जिसके नाम पर खाता खोला हुआ है उसे कोई जानलेवा बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो भी आप खाता बंद कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न है कि जो पैसा भर रहा है पेरेंट्स या गार्जियन
उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। करंट इंटरेस्ट रेट है 7.6%। ध्यान देना है, हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है और नया वाला इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाता है। अभी आज की तारीख में ये इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले साल पेंडेमिक आया था, जहां पर बहुत सारी चीज़ें ठप हो गई थी, तो इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया था। बट ये फ्यूचर में बढ़ेगा ऐसी आशा है, क्योंकि यहां से और नीचे ये गया नहीं है, पूरे एक साल तक कंसिस्टेंट यही इंटरेस्ट रेट रहा, तो यहां से अब ये ऊपर ही जाएगा जैसे कि इकोनॉमी हमारी पटरी पर आएगी। तो आप मान के चलिए जो भी इंटरेस्ट रेट अभी दिखाई दे रहा उससे फ्यूचर में बढ़ सकता है। अब इंटरेस्ट रेट किस पर एप्लीकेबल होता है, देखिए महीने की 5वीं तारीख से लेके महीना खत्म होने के बीच में जो आपका लोवेस्ट बैलेंस होता है आपके सुकन्या खाते में, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है। ईयरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है, इंटरेस्ट हर साल फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। कौन से खाते में? सुकन्या अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट होता है वो सेफ और गारंटीड रिटर्न होता है, मतलब आपको 100% मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करता है, उसकी गारंटी होती है। अब हम जान लेते हैं कुछ टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स बेनिफिट हमें इस योजना के तहत मिल जाता है। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के तहत, 1.5 लाख तक का छूट मिलता है सेक्शन 80C के तहत। तो इनकेस आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं हर साल सुकन्या योजना में, उसको आप ITR फॉर्म में दिखा सकते हैं और टैक्स में छूट ले सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है कम्प्लीटली, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी के समय जब आप विड्रॉ करते हैं पैसा, तो भी आपको कोई भी टैक्स TDS वगैरह नहीं लगता है, पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही रीज़न है कि काफ़ी लोग कंसीडर करते हैं इस सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और उसके अलावा ये सब कुछ टैक्स फ्री होता है, डिडक्शन भी मिल जाता है, तो फायदा ही फायदा हो जाता है जो डिपॉजिटर होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर एक डिपॉजिट हमने रखा हुआ है, हर साल अगर आप इतना डिपॉजिट करते हैं इतने पीरियड के लिए और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 21 साल के बाद आपको कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा वो आपको यहाँ पर हम दिखा देंगे। मान लीजिए आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, 15 ईयर के लिए 7.6% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 4,39,538 रुपीज मिल जाता है। उसके अलावा इनकेस आप अगर 50,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलता है 21,97,000, मतलब लगभग 22 लाख। 1 लाख अगर हर साल डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिल जाता है लगभग 44 लाख रुपए। और 1.5 लाख जो कि मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यहां पर आपको लगभग 65,93,000, मतलब 66 लाख के आसपास मिल जाता है। तो यहां पर हमने एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको अपने मनपसंद अमाउंट का मैच्योरिटी वैल्यू जानना है, जैसे कि आप 20,000 हर साल डिपॉजिट करना चाहते हैं, 1.25 लाख रुपये डिपॉजिट करना चाहते हैं, 75 डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उसका कैसे मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है elearningmoney.com, हमारे YouTube चैनल elearningmoney से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, इस पर आपको क्लिक कर देना और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको सर्च करना है सुकन्या समृद्धि योजना, उस पर क्लिक कर देना है और कैलकुलेटर अब हमें इस पेज पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ब्याज दर दिखाई दे रहा है अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का, बट ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अब एप्लीकेबल है मार्च 2021 तक। जैसे ये चेंज होगा इसको हम फ्यूचर में चेंज कर देंगे, बट यही इंटरेस्ट रेट अभी भी एप्लीकेबल है। नीचे देखिए कैलकुलेटर है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, इंस्ट्रक्शन, डिपॉजिट अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जो भी डिपॉजिट अमाउंट आप इंटर करेंगे, मिनिमम 500 यहाँ पर लिखा गया है लेकिन 250 है एक्चुअली, यहाँ पर गलती से आ गया है 500, तो मिनिमम आप 250 रुपये हर साल का डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसके बीच का ही कोई अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। हम मान लेते हैं हम यहाँ पर 80,000 रुपये हर साल डिपॉजिट करने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हम 7.6% रखेंगे। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेटेस्ट वाला ही। जैसे ही हमने डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट रखा, देखिए ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। टोटल डिपॉजिट 12 लाख हो गया है, टोटल इंटरेस्ट आपको 23,16,000 मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाता है 35,16,305 रुपया। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो मैच्योरिटी वैल्यू आ रहा है वो एग्जैक्ट सेम आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हर 3 महीने में बदलते रहता है।
बट इस कैलकुलेशन से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसके आसपास ही आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकता है। इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं एक डेढ़ लाख का, उसके आसपास ही आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद अमाउंट का भी मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाता है बहुत ही आसानी से। अब थोड़ी सी कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हमें ये दिखाई देती है कि यहाँ पर लोन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही लंबी अवधि का ये सेविंग स्कीम होता है, लगभग 15 साल से 21 साल का पीरियड होता है। तो ऐसे केस में अगर लोन का फैसिलिटी मिल जाता है तो कभी कभी, जैसे कि हम सब जानते हैं, लंबी अवधि में अप डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, तो एक हमें बेनिफिट मिल जाता था लिक्विडिटी से रिलेटेड। पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोन वगैरह ले सकते थे अपने खाते के अगेंस्ट, बट ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलता। उसके अलावा जो अमाउंट है वो सिर्फ 1.5 लाख तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग किया जा सके अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने मनपसंद अमाउंट का वो भी हमने देख लिया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।